नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के मुख्य समाचारों में हम बात करेंगे देश के जवानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनाई दिवाली की, छत्तीसगढ़ सीएम द्वारा महिलाओं को दी गई बड़ी सौगात की, कांग्रेस पर लग रहे धन के दुरुपयोग के आरोप की, राम मंदिर चंदे को लेकर मध्य प्रदेश में मचे बवाल की, राजस्थान की 79 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के बिगड़े खेल की, साथ ही बात करेंगे पहले हिंदू मुसलमान को बांटा, अब चुनाव आया तो ये राम मंदिर की बात करने लगे, कांग्रेस के बीजेपी पर बड़े आरोप की, और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे क्या सच में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न दिलाने में बीजेपी का अहम रोल है। इसके साथ ही और भी महत्वपूर्ण खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने 10वीं बार जवानों के साथ मनाई दिवाली, चीन बॉर्डर से लगे हिमाचल के लेपचा में आईटीबीपी कैंप पहुंचे, सैनिकों को दी बधाई। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को सीएम भूपेश बघेल ने दी दिवाली की सौगात, ट्वीट कर कहा, प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही महिलाओं को छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना के तहत 15,000 रूपए प्रति वर्ष सीधे उनके खाते में भेजे जाएंगे। कमलनाथ की चक्की में पिस गई कांग्रेस, सागर में विपक्ष पर बरसे सीएम शिवराज सिंह चौहान, बोले कांग्रेस और कमलनाथ दोनों अहंकारी, राज्य में देश का नहीं कर सकते विकास। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने दी दिवाली की शुभकामनाएं, तो दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति बोले, हम समझते हैं इस त्योहार का महत्व। राजस्थान की 79 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस का बिगड़ा खेल, कांग्रेस के 23 तो बीजेपी के 30 नेताओं ने अपनी ही पार्टी को फंसाया, जबकि 68 सीटों पर होगा त्रिकोणीय मुकाबला। कोलकाता में 31 दिसंबर से चलेगी अंडर वाटर मेट्रो, नदी तल से 13 मीटर है नीचे टनल, रोज 10 लाख लोगों का होगा आवागमन। योजनाओं के नाम पर धन का दुरुपयोग कर रही कांग्रेस, कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमार स्वामी ने विपक्ष पर लगाया गंभीर आरोप, ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसका समाधान हमारे जाबाजों के पास नहीं है, लेपचा में जवानों के बीच बोले पीएम मोदी। युद्ध विराम से इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का साफ इनकार, बोले हमास से पूरी ताकत से लड़ते रहेंगे। एयरफोर्स के बेड़े में स्वदेशी विमान शामिल करने की हो रही तैयारी, विदेशों से ली जा रही है फाइटर जेट बनाने की टेक्नोलॉजी, भारत में होगा निर्माण। अमृतसर के गोल्डन टेंपल में 2 लाख श्रद्धालुओं ने मनाई अनोखी दिवाली, भव्य आतिशबाजी के साथ 1 लाख देसी घी के दिए भी जलाए। मोदी सरकार ने नोटबंदी में गरीबों का पैसा लेकर अमीरों की तिजोरी भरी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, बीजेपी ने डायल 112 को बर्बाद किया और कहा कि नोटबंदी से न भ्रष्टाचार कम हुआ, न महंगाई रुकी और न ही आतंकवाद खत्म हुआ, आज देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है। दिवाली के दिन देश में आई खुशखबरी, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 590.78 अरब डॉलर पहुंचा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप से हुआ बाहर, भारत न्यूजीलैंड के बीच होगा पहला सेमीफाइनल, अगर सेमीफाइनल मुकाबला बारिश में धुला तो रिजर्व डे में होगा मैच, फिर भी नतीजा नहीं निकला तो पॉइंट्स टेबल से करेंगे फैसला। देश भर में दिवाली की मची धूम, उज्जैन के महाकालेश्वर में फुलझड़ियों से हुई आरती, जम्मू कश्मीर में जवानों ने बॉर्डर पर मनाया त्योहार। दिवाली पर दिल्ली में 1 लाख करोड़ के कारोबार का अनुमान, चीन को लगा करोड़ों का झटका। दिवाली पार्टी में एकजुट हुए भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, पत्नियों व बच्चों के साथ दिखे, विराट व अनुष्का ने लूटी महफिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के हनुमान गढ़ी में की पूजा अर्चना, रामलला के दर्शन के बाद अल्पाहार के साथ संतों से की चर्चा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा पहले हिंदू मुसलमान को बांटा, चुनाव आया तो अब ये राम मंदिर की बात करने लगे हैं। हैदराबाद में पिछले 39 साल से ओबीसी परिवार का कब्जा, एआईएमआईएम चीफ देश भर में लड़ रहे चुनाव लेकिन घर में उतारे सिर्फ 9 प्रत्याशी, ये तो तिसुर क्या। अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दिवाली के दिन राम मंदिर चंदे को लेकर घिरी भाजपा सरकार की, क्योंकि बीते दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति और राम मंदिर के चंदे को लेकर भाजपा की मोदी सरकार को खरी खरी सुनाई, तो क्या कहा है कांग्रेस नेता ने, देखिए विस्तार से।
दरअसल अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने भी 1,11,000 रुपए का चंदा दिया है और यह बात उन्होंने एक दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में आयोजित जनसभा के दौरान स्वीकारी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए हमने भी चंदा दिया है। शिवराज सिंह ने 11 लाख तो मैंने 1,11,000 रुपए का चंदा दिया है। इसके बाद बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा, चुनाव आया तो ये हिंदू मुस्लिम की बात करने लगे, राम मंदिर की बात करने लगे हैं। इससे पहले उन्होंने हिंदू मुसलमान को बांटा, अब कहते हैं कि कांग्रेसी भगवान श्री राम को नहीं मानते हैं। मुझे नाम बताओ कौन सा कांग्रेसी भगवान श्री राम को नहीं मानता। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इन लोगों का काम केवल लोगों को बांटना है, भगवान के नाम पर नफरत फैलाना है और झूठ बोलना है। मैं कहता हूँ कि इनसे बड़ा झूठा और कोई हो ही नहीं सकता, ये हर चीज में झूठ बोलते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि सीहोर की इच्छावार विधानसभा अब तक बीजेपी का गढ़ रहा है। यहाँ से करण सिंह वर्मा 7 बार विधायक रही है। हालांकि 2013 में उनकी जीत का क्रम टूट गया था, लेकिन उसके बाद 2018 में फिर से विधायक बने। इस बार भी बीजेपी की ओर से करण सिंह वर्मा 9वीं बार प्रत्याशी हैं, जबकि कांग्रेस की ओर से 3री बार शैलेंद्र पटेल प्रत्याशी हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर तेलंगाना पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस और बीआरएस दोनों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने दोनों ही पार्टियों को दलित विरोधी करार दिया है। तो क्या कहा है प्रधानमंत्री ने, देखिए विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में बीआरएस सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य आंदोलन के दौरान उन्होंने एक दलित को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था, लेकिन राज्य के गठन के बाद मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हर दलित की आकांक्षाओं को कुचलकर सीएम की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। बीआरएस दलित विरोधी है और कांग्रेस भी उससे कम नहीं है, क्योंकि उसने 2 बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुनाव नहीं जीतने दिया। सबसे पुरानी पार्टी ने संसद में बाबा साहब की तस्वीर नहीं लगाई थी। इस सबसे पुरानी पार्टी के कारण ही संविधान निर्माता बीआर अंबेडकर को दशकों तक भारत रत्न नहीं दिया गया और यह केंद्र में भाजपा समर्पित सरकार बनने के बाद ही संभव हो सका। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आजादी के बाद आपने देश में कई सरकारें देखी हैं। हमारी सरकार ऐसी है जिसकी सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब कल्याण वंचितों को वरीयता देना है। भाजपा जिस मंत्र पर चलती है वह सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास है। उन्होंने आगे कहा कि तेलंगाना में 10 साल पहले जो सरकार बनी थी वह न तो राज्य का गौरव बचा पाई और न ही राज्य के लोगों का सम्मान कर पाई। दुनिया तेलंगाना के लोगों की क्षमताओं की तारीफ करते नहीं थकती। 10 साल में यहाँ की सरकार ने मदिगा समुदाय समेत यहाँ के लोगों को धोखा दिया है। बता दें कि प्रधानमंत्री दिवाली के पहले दिन तक तो चुनावी प्रचार में व्यस्त थे, लेकिन दिवाली पर हर साल की भांति वो देश के जवानों के बीच रहते हैं। ऐसे में बीते दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के लेपचा में जवानों के साथ दिवाली का त्योहार मनाया। इस दौरान उन्होंने जवानों के साथ बातचीत भी की। तो बातचीत में क्या कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जवानों के साथ दिवाली मनाना गर्व से भरा अनुभव है। जवान अपने समर्पण से हमारा जीवन रोशन करते हैं, देश जवानों का कृतज्ञ और ऋणी है। साथ ही कहा है कि मैंने हर दिवाली जवानों के साथ मनाई है। जवान जहां तैनात हैं वो स्थान मंदिर से कम नहीं है। भारतीय सेना और सुरक्षा बल के पराक्रम का उद्घोष और यह ऐतिहासिक धरती और दिवाली का त्योहार यह अद्भुत संयोग है। यह अवसर मेरे लिए भी और देशवासियों के लिए भी जोश से भर देने वाला है। पर्व वही होता है जहां परिवार होता है। पर्व के दिन अपने परिवार से दूर सीमा पर तैनात रहना यह अपने आप में कर्तव्य निष्ठा की पराकाष्ठा है। त्योहार के दिन हर किसी को अपने परिवार की याद आती है, लेकिन आपके चेहरे पर देश के इस कोने में भी उदासी नजर नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आप सभी उत्साह से भरे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों का ये बड़ा परिवार भी आपका अपना ही है। देश इसलिए आपका कृतज्ञ और ऋणी है, इसलिए दीपावली पर हर घर में एक दिया आपकी सलामती के लिए भी जलाया जाता है और हर पूजा में एक प्रार्थना आप जैसे वीरों के लिए होती है। मैं भी हर बार दिवाली पर सेना और अपने सुरक्षा बलों के जवानों के बीच इस भावना के साथ जाता हूं। कहा जाता है कि जहां राम है वहीं अयोध्या है। मेरे लिए जिस स्थान पर सेना है वह स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं है। जहां आप वहीं मेरा त्योहार है। तो कैसे लगे आज के समाचार, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए और देश की महत्वपूर्ण खबरों की तुरंत अपडेट पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और ट्विटर फेसबुक पर हमें फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।